सरदारपुर के रिंगरोड में नाली का पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और पथराव भी हुआ, जिसमें 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं रिंगरोड चौक की पुलिस ने मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरा घटनाक्रम रिंगरोड बस स्टैंड का है, जहां नाली का पानी निकालने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के 3 से अधिक लोग घायल हुए हैं और रिंगरोड पुलिस द्वारा 3 घायलों को सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ML जैन ने घायलों का उपचार किया। इस विवाद में महिलाओं को ज़्यादा चोटें आई है, पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवा लिया है। वहीं चौकी प्रभारी राहुल चौहान के अनुसार मामले में एक पक्ष पर मारपीट संबंधित धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर जाँच की जा रही है। संतोष ने मारा सर। क्यों मारा, क्या हुआ था? नाली का पानी जहाँ नाली है वहाँ साफ जाने देते हैं। हमारा घर का सामने जाते छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम तो कोई भी घर पे नहीं थे। वो हमारा आदमी था, वो दारू पानी कुछ भी नहीं पीते बेचारा। तो उसने किया कि तुम इधर मत करो, पानी नाली में जाने दो। तो जैसा 25 ना इंसान सा भी ऐसे मारने लग गया मेरे आदमी को। तो ये मेरा ननंद ठीक है मत मारो ऐसे बोलने लग गया। तो ये मेरी डोकरी को भी मारने लगे, डोकरी के मत झगड़ाओ मत मारो, पानी जा रहे तो जाने दो, यूँ करके किया। फिर भी नहीं माना साहब। तो अब इसे संतोष ने मेरे को मारा ने या डोकरी ने वो इसने मारा राहुल का ना राहुल बड़ाई है वो एक संबुड़ो काई से मारा काई से मारा पत्थर से साहब पत्थर से पत्थर असली मंडिया एक लक्ष्मण आदमियों ने मारा मतलब आदमी ने मारा साहब एक रामदिन्या हाँ वही ने टम्बुड़ा ने साहब सरा पीपी ने मारे।